टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। ये एक एक्चुअली लिटरेसी अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसमें जो RBL और फ्रीडम फाउंडेशन का टाई अप है साथ में, ये लोग जो मार्जिनली वीक एरियाज होते हैं, मार्जिनली इकोनॉमिकली वीक एरियाज होते हैं, वहाँ पे ये जाके लोगों को अवेयर करते हैं कि आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, कैसे सेव कर सकते हो, कैसे आप गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, जो बेसिक स्कीम्स है जो हमको भी शायद से नहीं पता होंगी, बहुत सारे ऐसे हैं जैसे स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए स्कीम्स निकलती हैं, आप 200,000 में कैसे बिजनेस चालू कर सकते हैं, आप जो गवर्नमेंट है उनको फाइनेंस करती है, बल्कि जो बहुत मार्जिनली वीक होते हैं गवर्नमेंट भी उनको फाइनेंस करती है, तो आप कैसे उसका लाभ उठा सकते हो और कैसे, और बहुत सारी दूसरी स्कीम्स है वुमेन के रिलेटेड, एंटरप्रेन्योर्स के रिलेटेड या बच्चियों के रिलेटेड, तो उसके बारे में ये एक लिटरेसी ड्राइव है, बिकॉज यू नो जो ऐसे अंडर डेवलप्ड एरियाज होते हैं वहाँ पे यू नो लिटरेसी के बहुत इशू है, और जो शायद से बहुत ज़्यादा लिटरेट एरियाज भी है उधर भी लोग लिटरेसी इज डिफरेंट एंड गवर्नमेंट के रिलेटेड जो स्कीम्स हैं वो थोड़ा अलग उसमें आ जाता है डायरेक्शन में, वो ज़्यादा GK एंड यू नो UPSC एस्पिरेंट्स को या न्यूज़पेपर्स वाले सेक्शन में ज़्यादा चले जाता है, तो इवन इफ़ पीपल आर लिटरेट, इवन इफ पीपल आर नॉट लिटरेट, दे आर नॉट सो अवेयर कि उनको स्कीम्स जो है ये इसका कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है, तो दे आर डूइंग ग्रेट जॉब। ये CSR जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके अंडर ये प्रोजेक्ट इनका है, तो ये उसी दौरान उसी सिलसिले में ये लोग अवेयरनेस कैंप्स रख रहे हैं। हम बोल सकते हैं कि कैसे जो है बचत कैसे करना है जी, कैसे खर्च कैसे करना है जी, ये पूरा जो है इसके ऊपर ये जो सेमिनार रखा जी, एक फाइनेंशियली आपको इकोनॉमिकली स्मार्ट बनाने के लिए ये सेमिनार रखा गया है, बिकॉज आप मतलब अगर हम ये थिंकिंग रखेंगे कि आज ही है तो कल भी है, कल यू नो जैसे कोविड जैसी स्थिति आ जाती है अगर आपकी लाइफ में, तो अभी तो लाइफ इज़ सो अनप्रिडिक्टेबल कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में आपका एटलीस्ट आपके पास एक बैकअप होना चाहिए, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि आप कैसे क्या लाभ उठा सकते हो, तो उसी लिए लोगों को इकोनॉमिकली स्मार्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये जो ड्राइव है इसके ज़रिए जो महिलाएँ हैं इनको, बिकॉज यू नो वुमेन आर होम मेकर, वो लोग घर पर रहते हैं, चाहे बाहर भी अगर वुमेन आर एम्पावरिंग देम सेल्फ, लोग बाहर भी काम करें तो भी वो लोग बाहर भी काम करते तो भी उनका ध्यान घर में रहता है कि हम कैसे बचत करें, घर गृहस्थी का महिला ही जान सकती है, बाकी घर को कैसे मैनेज करना है, उनको इकोनॉमिकली कैसे सहेज के रखना है, ये महिलाएं चाहे बाहर काम करें या घर में रहे, हाउसवाइफ रहे या बाहर काम कर रहे हो, उनको ही आता है ये करना सही से, ठीक है, तो उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कैसे यू नो आने वाले फ्यूचर के लिए, उनके बच्चे के लिए या जिस किसी के लिए, उनके खुद के लिए कैसे वो थोड़ा एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक सपोर्ट बना के रखे अपने लिए। सर क्या नाम है आपका, आपका डेजिग्नेशन क्या है और आप जो सेमिनार से जुड़े हैं इस बारे में क्या बताएं? मेरा नाम सजीत नायर है, मैं फ्रीडम फाउंडेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, हमारी कंपनी का टाई अप है RBL बैंक के साथ जो CSR डिपार्टमेंट के अंडर वित्तीय साक्षरता मिशन चलाती है, ये पैन इंडिया हम लोग करते हैं, ऑल ओवर इंडिया में हम करते हैं, अभी आज की तारीख में काफ़ी दिन के बाद हम ऑफलाइन कर रहे हैं, आज तक ऑनलाइन ही कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा थोड़ा खुल रहा है तो हम सब जगह पे जाके लोगों को अच्छे से समझा सकें। ये हम स्पेशली उनके लिए रख रहे हैं जो लेडीज़ हैं, जो वुमेन है, मार्जिनलाइज कम्युनिटी से, मतलब जिनका जो इनकम थोड़ा कम है, लेकिन इनकम कम होने के बावजूद वो कैसे निवेश कर सकते हैं, कैसा उनका लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि पैसे की ज़रूरत पड़ती है, लोग काम नहीं करते हैं, जब हम काम कर रहे हैं उस वक्त हम कैसा उसको निवेश कर सकते हैं, कैसे सेविंग कर सकते हैं ताकि रिटायरमेंट के बाद उनको पैसे का काम आ जाए। बहुत सारी गवर्नमेंट योजना है जो जिनका उनको कोई भी नॉलेज ही नहीं है, उनको पता है कि बैंक अकाउंट खोल दिया, पैसे आ गए, पैसे उसमें से खर्च किए, लेकिन बहुत सारी योजना जो फ्री गवर्नमेंट अलाउ करती है कि चलो ये योजना आप फ्री ले लो, वो सब चीज़ों के बारे में इनको जानकारी नहीं, तो हम बेसिकली गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं उसके बारे में उनको उजागर कर रहे हैं कि काफ़ी सारे बेनिफिट आपको हो सकते हैं अगर आप गवर्नमेंट स्कीम में भी जा सकते हैं। इस बेसिक हम ये चाहते हैं कि उनका रिटायरमेंट के बाद वाला जो लाइफ है वो किसी पे डिपेंडेबल नहीं रहे। इसमें एक चीज़, एक एग्जांपल में अगर आप बात करूँ तो इसमें एक जीवन ज्योति बीमा योजना है, आपको सिर्फ साल भर में 330 रुपया भरना है, उसमें क्या होता है कि जो इंश्योरेंस, जिसने इंश्योरेंस लिया है उनको कुछ हो जाता है तो उनके फैमिली को 2,00,000 रुपया मिलता है, तो 330 रुपये में आज की तारीख में कोई भी इंश्योरेंस वाला आपको 2,00,000 रुपया नहीं देगा। उसी तरह बीमा योजना है जो एक्सीडेंट में अगर इंश्योरेंस वो इंश्योरर को कुछ हो जाता है तो उस वक्त फैमिली को 2,00,000 रुपया मिलता है, ये सिर्फ 12 रुपये में आप कर सकते हैं और आपको किधर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, आपने जो ऑलरेडी बैंक अकाउंट खोला है
बैंक में जाके बोलना है कि मेरे को ये योजना लेना है उसी बैंक से? सारे सारे बैंक्स जो है उसमें रहता है, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सभी बैंक्स, सारे बैंक्स, सभी राइट बैंक्स में तो यही जो सारे बैंक्स हैं, मतलब जो आप जो भी लोगों ने अपना खाता खोले हुए हैं बैंक्स में, तो ये सभी बैंक्स में रहता है। आप लोग प्लीज़ इसका भी लाभ उठाएँ ताकि आपको ये एक अच्छी रकम, खुद यू नेवर नो कभी खुदा ना खास्ता कुछ हो तो आपको ये चीज़ भी आपको हेल्प कर सके। मैम आपका क्या नाम है और आप भी जुड़ी हुई हैं इस सेमिनार से, आप क्या बताना चाहिए? मेरा नाम हिबा खान है और मैं कैटलिस ह्यूमन कैपिटल सर्विसेज से हूँ। हम एसोसिएटेड हैं RBL बैंक से और हम यहाँ मुमरा में डायमंड हॉल में ये प्रोग्राम रन कर रहे हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी अवेयरनेस प्रोग्राम है ये। ये खास करके औरतों के लिए है जो 21 साल के ऊपर हैं, 40-45 के अंदर हैं, और ये दिस इज़ बेसिकली एन अवेयरनेस प्रोग्राम जहाँ पर हम औरतों को और महिलाओं को ये अवेयरनेस दे रहे हैं कि गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएँ स्कीम्स होती हैं तो हम किस तरह से उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। एज़ ऑलरेडी मर्जिया जी ने और सर ने हमें ऑलरेडी आपको काफ़ी इसके बारे में अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया है, सो इट्स सिमिलर टू दैट कि हम ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम रन कर रहे हैं। एज अ फीमेल हम घर पे भी होते हैं, खास करके एक होम मेकर हम घर पे होते हैं और हमको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं एज अ फीमेल, तो हम किस तरह से ये पता कर सकते हैं, मतलब हमको ये अवेयरनेस होना चाहिए कि छोटी छोटी चीज़ों में हमारा किस तरह से फ़ायदा हो सकता है। पॉसिबली गवर्नमेंट ने ही काफ़ी सारी योजनाएँ स्कीम्स निकाली हुई हैं जो हमें नहीं पता चल पाती हैं, तो ये उसी के बारे में है, ये प्रोग्राम पूरा उसी के बारे में है। करेक्शन बोल सकते हैं, जागरूकता अभियान या जागरूकता, दैट इज़ व्हाट आई सेड, अवेयरनेस प्रोग्राम है ये जी। द थिंग इज़ कि सेंटर बहुत सारी चीज़ें निकालती है, बिल्कुल ठीक है, बहुत सारे दावे भी कर देती है, निकालती भी है, बट स्टेट तक आती है और स्टेट में जो ऐसे एरियाज है जो छोटे छोटे से तबके वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, या जहाँ स्लम्स एरिया हो, जो अंडर डेवलप्ड एरियाज होते हैं वहाँ पे नहीं पहुँच पाती है। सो माय गोल विल बी कि अगर मैं एजुकेटेड हूँ, मैंने UPSC किया, मेरा ध्यान अगर स्कीम्स पे महिलाओं के या मेल के या किसी के भी, तो हम जो स्टेट जो चीज़ें दे रही है वो हमारे लोगों तक लाने मेरा जिम्मेदारी ज़रूर रहेगी, मेरा फोकस इस चीज़ पे ज़रूर रहेगा कि कैसे हम सेंटर की जो स्कीम्स है या स्टेट की भी जो स्कीम्स है वो नीचे नहीं, एक साइकिल है, आप ऊपर से नीचे तक कैसे आएंगी, ठीक है, तो उसके लिए हम मिडिल मैन है, हम हमारे लोगों तक के वो पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे हमेशा।